हेलो, नमस्कार सभी को। आज हम 10th क्लास की वर्कशीट जो आ रही हैं बच्चों को करने के लिए, उन वर्कशीट्स के जो अनसोल्व क्वेश्चन हैं उनको करते हैं, और उनसे संबंधित जो भी नियम हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। वैसे हम चैप्टर कि वीडियो जब पहले बना रहे थे तब ये सारे रूल रेगुलेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक छोटी छोटी बातों को हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर यूक्लाइड विभाजन प्रमेय का, यूक्लाइड डिवीजन लेमा, जो इस साल एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बट फिर भी एक छोटा सा डिस्कस यहाँ कर दें कि ये होता क्या है। यदि हमारे पास ए और बी दो संख्या हों जो दो धनात्मक संख्या हैं, यदि हम ए को बी से भाग करते हैं तो यहाँ कुछ भागफल और कुछ शेषफल मिलता है, और शेषफल के बारे में निश्चित है कि वो या तो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ शर्त यह है कि ये आर जो शेषफल है वो बी से भी छोटा होगा। ये यूक्लाइड डिवीजन लेमा, या हिंदी में हम यूक्लाइड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। ये एक ऐसा नियम है जिसमें भाग करके हम किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं। ऐसे ही इस सारी चर्चा को उदाहरण के रूप में वर्कशीट के अंदर दिखाया गया, बताया गया कि यदि यूक्लाइड डिवीजन लेमा को प्रयोग करें तो ये कुछ संख्या इस तरह से हो सकती हैं कि यदि हम किसी संख्याओं को दो से भाग करते हैं तो हमें या तो शेषफल जीरो मिलेगा या फिर शेषफल वन मिलता है। अब यदि हम किसी संख्या को तीन से भाग करते हैं तो हमें या तो शेषफल जीरो मिलेगा या एक मिलेगा या फिर दो मिलेगा। यदि हम किसी संख्या को चार से भाग करते हैं तो शेषफल हमें या तो जीरो मिलेगा, एक मिलेगा, दो मिलेगा या फिर तीन मिलेगा। ऐसे ही सारी संख्याओं को यदि हम किसी संख्या में यदि छः से भाग करना चाहते हैं तो शेषफल की वैल्यू जो होंगी, शेषफल के जो मान होंगे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकता है, क्योंकि जिस संख्या से भाग करते हैं शेषफल उससे कम होगा। यहाँ सब कुछ उदाहरण उसके रूप में ही दिए गए हैं। यदि हम किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करते हैं तो यहाँ हम भागफल विधि से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, और यूक्लाइड डिवीजन लेमा से भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो यहाँ यदि इसी नियम को हम यहाँ प्रयोग करते जाएँ और कहा जाए कि हमें यहाँ एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कहा गया है कि हमारे स्कूल में दो कक्षाएं 9th और 10th में कुछ बच्चे हैं जिसमें 576 576 बच्चे 9th में हैं जबकि 448 बच्चे 10th में हैं। उसमें ये कहा गया है कि हमें दोनों कक्षाओं के सेक्शन बनाने हैं जहाँ विद्यार्थियों की संख्या हर सेक्शन में समान हो तो विद्यार्थियों की समान संख्या वाले अधिकतम कितने सेक्शन बनाए जा सकते हैं। यदि हमें यहाँ छोटे संख्याओं के ग्रुप बनाने हैं, अब हमारे पास यदि 576 और 448 बच्चे हैं और उसमें सेक्शन बनाने हैं, तो उनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहने का मतलब ये होता है कि हमें छोटे छोटे ग्रुप ऐसे बनाने हैं जिसमें बराबर बराबर संख्या हो। मतलब छोटे ग्रुप बनाने हैं तो मतलब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ इन दोनों संख्याओं से छोटा होगा और ऐसी संख्या देखेंगे जो दोनों को भाग कर सके। इन दोनों संख्याओं को जो भाग कर सकती है संख्या वो एचसीएफ होती है। अब यदि हम इसको दो मेथड हम अप्लाई करते हैं, यदि हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास यदि इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो हमने ए कंसिडर किया 576, तो बी लिया 548, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम लिखेंगे कि 576 को यदि हम 448 से भाग करते हैं तो इसमें एक बार हमें भाग कर सकते हैं, बाकी शेषफल बचेगा। अब शेषफल कितना बचेगा? इसमें से 448 को घटाएंगे तो यहाँ 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा। अब हमारे पास जो शेषफल है वो 128 बचा जो भागफल से छोटा है। अब फिर अगली बार हम क्या करेंगे, ये जिससे हम भाग कर रहे थे भाजक संख्या है उसको हम 128 से भाग करेंगे। अब यहाँ देखेंगे ये कितने बार जा सकता है। अब इसमें यदि कन्फ्यूजन हो
तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हम यहाँ से 448 से 576 को इस तरह से भाग करते हैं, एक बार इसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन, विस्तृत विधि भाग की। तो भाग की विस्तृत विधि से हम भाग करेंगे तो 448 एकम 448 होगा, और यहाँ से यदि माइनस करेंगे तो ये 16 माइनस 8 8 होगा, 6 माइनस 4 2 होगा, और 5 माइनस 1 1 होगा। अब यहाँ पर हम 128 से भाग करेंगे 448 को, इस तरह से लिखते हैं फिर। तो यहाँ कितने बार गुणा कर सकते हैं, तो 12 चौक 48 से ज़्यादा होंगे, 12 की 36 करेंगे, 3 बार करेंगे, और 3 8 24 का 4 होगा, 3 2 6 और 2 8 होगा, और 6 3 एकम 3 कर देंगे। अब यहाँ फिर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 8 में 4 गए 4 बचेंगे, और यहाँ 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 आएगा। अब ये फिर ये 64 कम हो गया, 64 से फिर हम 128 को भाग करेंगे। अब देखेंगे 64 से कितने से गुना करें, 2 से गुना करते तो 2 चौक 8 और 2 छक्का 12 हो गए, और यहाँ हमारा शेषफल हो गया 0। तो यदि हमें ये SCF निकालने के लिए कहा जाए तो जिस संख्या से भाग करने पे लास्ट में 0 आ रहा है तो वही उसका SCF होगा। तो यहाँ हमारे पास जो SCF होगा वो 64 होगा। 64 बच्चों के यदि हम ग्रुप बना दें तो वो बराबर बराबर बच्चे आएंगे। यदि हम इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ 128 को 3 से गुना करेंगे और शेष पर हमारे पास क्या बचा था, 64 बचा था। फिर यदि हम 128 को भाग करते हैं 64 से तो 2 बार गुना करने के बाद यहाँ शेषफल 0 आ जाता है। जब शेषफल 0 आ गया, किससे भाग किया जो 0 आया, 64 से भाग किया, तो यहाँ हम लिखेंगे ये ए या 576 और 448 का जो SCF है वो 64 है, और प्रत्येक सेक्शन में बच्चों की जो संख्या होगी वो 64 होगी। ये हमारा इन दोनों नंबर्स के लिए इस एक्सरसाइज का जो ये क्वेश्चन था, ये अनसोल्व क्वेश्चन दिया था, बाकी सारे हमें पैटर्न बताया गया कि हम कैसे कैसे करेंगे, तो इसको इस तरह से कर लेते हैं। और ये इस तरह से हमारे पास ऑलरेडी हम वीडियो में कई क्वेश्चन कर चुके हैं, तो यहाँ से आप इसको सीख लें, यहाँ ऑलरेडी अपने वर्कशीट में इसको नोट। अब हम दूसरी वर्कशीट पर काम करते हैं। दूसरी वर्कशीट में जो टॉपिक लिया गया उसमें कहा गया है कि हमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में बात करनी है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, किसी भी संख्या को यदि हम उसके गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, तो इस तरह के नियम को हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। कोई भी संख्या हो उसके हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है और उसको गुणनखंड के रूप में लिख दें, गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दें, उसको क्रम में लगा दें, तो वही हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। अब हमारे पास इसको करने के कई तरीके होते हैं कि यदि हमें कोई संख्या दे दी जाए तो उसको हम एक वृक्ष गुणनखंड गुणनखंड वृक्ष के नाम से जानते हैं कि हमारे पास कोई संख्या है तो हम उसको ट्री मेथड या गुणनखंड वृक्ष के तरह उसके गुणनखंड कर सकते हैं, और ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम वीडियो में डाल चुके हैं, हम इनको किस तरह से करते हैं वो बता चुके हैं, फिर भी यहाँ कुछ अलग क्वेश्चन दिया गया उसको हम ले सकते हैं और उसको हम सॉल्व करेंगे। दूसरा जो टॉपिक दिया गया है कि हम उसमें किसी भी दो संख्याओं को के हेल्प से हम उनका LCM और SCF कैसे निकालेंगे, ये भी बताया गया है। और फिर हम में LCM या SCF किसी एक अननोन वैल्यू हो, दो संख्या दी गई हैं, तो हम उनको उस वैल्यू को भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें दो संख्या दे दी जाए, LCM दे दिया जाए, तो ये कुछ नियम पहले ही ऑलरेडी हम वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम यहाँ यूज करते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो एक क्वेश्चन है जिसको हमें कहा गया कि एक संख्या है जिसको आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो
तो ये 32,760 संख्या है। क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमें करना है। ये क्वेश्चन सेकंड वर्कशीट का है, 32,760 ये संख्या है और इसको हमें लिखना है। लेकिन इसको यहाँ लिखने से पहले हमें इसके गुणनखंड भी करने होंगे। तो क्या करते हैं, 32,760 के गुणनखंड करेंगे। ये सबसे छोटी संख्या किससे भाग हो सकती है, 2 से हम 22 को भाग कर दें। तो 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ 2 लिख देंगे तो 2 से भाग करने के बाद हमें जो मिलेगी संख्या वो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 8 16, फिर 0। ये अभी भी 2 से भाग हो सकती है, तो 2 से यहाँ भाग करेंगे तो 2 8 16, 2 एकम 2, 2 नीम 18, फिर 0 आ जाएगी। अभी भी ये 2 से भाग हो सकती है, तो 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, यहाँ 1 भाग नहीं होता तो 0 ले लेंगे, 2 नीम 18 और 2 5 10। अब ये 2 से भाग नहीं होती तो क्या करेंगे, अब इससे 5 से भाग कर देंगे। 5 से भाग करेंगे तो 5 6 40 होगा, 5 एकम 5 होगा और 5 नीम 45। अब ये 5 से भाग नहीं होती तो क्या ये 3 से भाग होती है, अब 3 से भाग करते हैं तो 3 से भाग हो जाएगी। 3 से यहाँ देखेंगे 3 2 6 और 2 बचेगा, 1 आ जाएगा, 21 3 7 21 और 3 3 9। अब अभी भी क्या ये 3 से भाग हो रहा है, तो देखते हैं 3 से फिर भाग हो रहा है, तो 3 से फिर भाग कर दो, 3 9 27 और 3 1 3। अब किससे भाग हो रहा है, ये अब 3 से नहीं होता, अब ये 7 से भाग हो रहा है, तो 7 से भाग करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब ये सारे हमारे पास, इनको यदि हम बॉक्स के रूप में दिखा दें, हम बॉक्स बना बना के लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि हम सीधे भी लिखेंगे तो इनको इस तरह से लिखा जा सकता है, और बॉक्स में लिखना चाहें तो बॉक्स में लिख दें। ये हमारे पास ये बॉक्स हो गया, यहाँ हमने एक 2 बॉक्स में बना दिया, एक इस संख्या को बॉक्स में बना देंगे, फिर ये 2 को बॉक्स में बना देंगे। हम इस तरह से इसको कहते हैं ट्री मेथड। ये अक्सर एग्जाम में आता है, इस बार भी आया है, आगे भी आने के चांसेस हैं, इसलिए हमें ये अच्छी तरह से इसके फैक्टर करने आने चाहिए। तो यहाँ हमारे पास ये 2 संख्या, लास्ट में सबके हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए, तो हम देख रहे हैं कि 2 कितने मिले, 1 2 3, तो यहाँ 2 जो है 3 बार मिला। हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, फिर हमें 3 5 आया, एक बार 5 लिख दिया, फिर 3 3 को लिख दो पहले, 3 गुना 3, फिर 5 आ गया एक बार, फिर 7 आ गया और एक 13 आ गया। अब इनको हम क्या लिखेंगे, 2 कितने बार आया, 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 1 है तो लिखेंगे नहीं, 7 और 13। इस तरह से हम लिखेंगे तो इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने इसको लिख दिया है। अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो लिखा गया, हमने सारी संख्या को लिख दिया, उसी रूप को हम कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब आता है कि यदि 2 संख्या हमें दे दी जाएं तो उनका एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालें। तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो हमारे पास जो संख्या दे रखी है वो दी है 15 और 12। तो यहाँ हम लेंगे दूसरा क्वेश्चन है, उसमें 15 और 12 का हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। अब गुणनखंड विधि से कहा है तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, तो 15 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुना 5 होंगे। ऐसे 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुना 2 गुना 2 हो जाएंगे। अब देखो इनमें जो कॉमन जो नंबर है, दोनों में जो उभयनिष्ठ है वो 3 है, तो हम इसको कहेंगे एचसीएफ जो होगा वो 3 होगा। अब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में एचसीएफ वाली संख्या जरूर आएगी। यदि एलसीएम में एचसीएफ, ऐसा कोई एलसीएम नहीं होता जिसमें एचसीएफ ना हो, मतलब वो संख्या जो यहाँ पर दोनों में है वो यहाँ भी आएगी, और जो बाकी से संख्या बची हैं उनको भी हम इस तरह से लिख देंगे। अब इनमें यहाँ पर हमारे पास इनको गुना करने का देखा तरीका क्या होगा, कि यदि मैं इनको यहाँ से गुना कर दूँ या इधर से कर दूँ, तो पहले मैं ये कोशिश करता हूँ कि 5 को 2 से गुना कर देते हैं तो 1 10 आ गया, और 2 को 3 से गुना कर दो तो 6 आ गया, तो आंसर आ जाएगा 60। तो इन दोनों का जो एचसीएफ 3 आया जबकि एलसीएम 60 आ गया, और ये हमने किस मेथड से निकाला है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला है।
जितने भी हमारे पास संख्या दी गई उनके अभाज्य संख्या के रूप में हमें उनको गुणनखंड किए और फिर उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाला। दूसरा पार्ट जो है यहाँ पर 18 और 45 है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में दिया गया है 18 और 45। अब यहाँ हम यदि करेंगे इसका सॉल्यूशन तो 18 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 3 × 3 × 2। ऐसे 45 के गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 × 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखो कि यहाँ देखो एक 3 ये आ गया कॉमन, दूसरा 3 भी एक कॉमन आ गया, तो एचसीएफ जो होगा वो 3 × 3 = 9 होगा। यदि हम एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में ये 3 × 3 तो होंगे ही, जो एचसीएफ था वो तो है ही, होगा ही, बट जो बाकी बचा उसको भी यहाँ लिखेंगे, मतलब ये 9 × 10 = 90 हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ 9 और एलसीएम 90 हो गया। इस तरह से हमारे पास इनमें क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। अब बात आती है, एक लास्ट क्वेश्चन और दिया गया है कि यदि हमें एक क्वेश्चन दिया गया कि उसका एलसीएम हमें मालूम है, दो संख्या दी गई है। यहाँ हमारे पास, मैं थोड़ा सा इसके लिए स्पेस बना लेता हूँ कि यहाँ हमारे पास दो संख्या जो दी गई हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है तो एलसीएम दिया गया है, दो नंबर्स हैं, दो नंबर कौन कौन से हैं, एक 320 और 120 का जो एलसीएम है वो हमें दिया हुआ है 960, और एचसीएफ हमें फाइंड करना है। अब इन्होंने इनडायरेक्ट वे में हमें ये कह दिया कि ये दो नंबर हैं जिनका हमें एलसीएम तो ये दिया हुआ है और हमें एचसीएफ निकालना है। नंबर ए और बी ये होगा। एक फॉर्मूला हमारे पास है कि यदि एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ए गुना बी आता है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि यदि दो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट हम करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ए और बी का गुणनखंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, वही वैल्यू आएगी जो एलसीएम और एचसीएफ की गुना करने के पर आती है। तो यहाँ हमारे पास एलसीएम क्या दिया हुआ है, ये एलसीएम है 960, एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, ए हमें दिया हुआ है 320 और बी 120, एक नंबर एक 320 है तो दूसरा जो है वो 120 है। अब यदि हम एचसीएफ निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, देखो 320 × 120 को यदि हम 960 से भाग कर देते हैं तो ये देखो ये 320 से ये 3 बार कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो गया हमारे पास, एचसीएफ हो गया 40। तो इस तरह से हमारे पास ये वर्कशीट के सारे क्वेश्चन जो इसमें दिए गए थे वो भी हमने कैलकुलेट कर दिए। ये हमारे पास दूसरी वर्कशीट के क्वेश्चन हो गए।